नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान। आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार चेतन बहरम जी के साथ में खास मुलाकात लेने आए हैं और कुछ मुद्दे हैं हमारे जैसी राजनीति को लेकर, कुछ पत्रकारों को लेकर और ऐसे कई मुद्दों पे आज हम एक विशेष चर्चा लेके आज हम चेतन बहरम जी से बात करेंगे। सबसे पहले हम चेतन बहरम जी का नमस्कार करेंगे कि उन्होंने हमको कीमती समय अपना दिया है, नमस्कार, और हमारे साथ में आज चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। हम चेतन बहरम जी, ये बताइए कि भंडारा ज़िले में कोविड काल हो तो जिसमें पत्रकारिता, एक भंडारा ज़िले के कई पत्रकारों या सभी पत्रकारों ने एक विशेष भूमिका निभाई है, जिसमें देखा गया है कि कभी पत्रकारों का किसी भी विषय में कहीं पर भी कोई नाम नहीं आया है, या कोई भी शासकीय बोलो अनशासकीय बोलो, कोई भी कार्यक्रम हो या किसी भी हो, तो कभी कोई पत्रकार का कहीं पे कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो क्या होना चाहिए, आपके क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? देखिए, सही बात बोले आपने कि एक्चुअल में कोरोना काल में पत्रकारों ने बहुत अहम भूमिका निभाई हुई है। जिस समय में एक भयावह परिस्थिति थी, उस समय में एक जागृति का काम करने का काम पत्रकारों ने भलीभांति निभाया और ऐसे परिस्थिति में भी लोगों तक एक अच्छी और एक आधारभूत जो न्यूज़ है पहुंचाने का काम उन्होंने किया। और ऐसे समय में पत्रकारों के हित में प्रशासन ने जो भूमिका रखना चाहिए था, उस बारे में प्रशासन इस बार नाकाम रहा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके पीछे के रीज़न भी है, जैसा पत्रकारों को वैक्सीनेशन करवाने का विषय था, फ्रंटलाइन वर्कर करके पत्रकारों को प्रशासन ने नज़रअंदाज किया। पत्रकारों के कई संगठनों ने मांग किया, हमने भी इस संदर्भ में काफ़ी मांगे की और काफ़ी देर के बाद में प्रशासन को मांग के बाद में जाग आई और हमारे पत्रकार भाइयों को जो है वो वैक्सीनेशन करवाने का फ्रंटलाइन वर्कर करके मान्यता करवा के यहाँ कैंप लगाया गया। कहने की बात यह है कि पत्रकारों के बारे में प्रशासन इस बार उनको नज़रअंदाज करके चल रहा था, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ये जागरूकता के साथ में कोरोना काल में जिस तरीके का काम किया, सही में वो कोरोना योद्धा के रूप में वो काम कर रहे थे, घर घर में न्यूज़ पहुंचाने का काम कर रहे थे, प्रशासन और पब्लिक में एक बहुत बड़ा अच्छा दुआ बन के काम कर रहे थे और कोरोना का भय दूर करने का काम कर रहे थे और उसमें एक जागरूकता लाने का काम कर रहे थे। और उसके बावजूद भी प्रशासन ने जिस तरीके की भूमिका ली, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा मैं इस माध्यम से समझता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई शासकीय के अलावा अशासकीय भी है, विषय भी है कि जिन लोगों ने भी पत्रकारों को नज़रअंदाज किया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा मैं समझता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारे को वरिष्ठ पत्रकार चेतन बहरम जी ने आपको बताया कि कहीं तो भी शासन हो या प्रशासन हो, पत्रकारों ने जो कोरोना योद्धा के तौर पर फ्रंटलाइन के तौर पर जो काम किए हैं, कहीं तो भी उनको भूला गया है, कहीं तो भी उनको अनदेखा किया गया है। क्योंकि आज जो पत्रकार है, जो एक आम लोगों से लेकर बड़े नेताओं तक जुड़े हुए रहते हैं और उनको हर छोटी छोटी खबरों के माध्यम से जागरूक करते रहते हैं और बताते रहते हैं, शासकीय खबर हो या अशासकीय खबर हो या किसी गली कुचड़ी की एक छोटी सी जानकारी हो, ये एक पत्रकार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार कोरोना की एक छोटी मोटी खबरें है, जिसे वैक्सीन ले लो या कोरोना में पिछले वर्ष में अप्रैल में ऐसी घटना थी, दूसरा जो युद्ध था कोरोना का, उसमें लोगों को एक दूसरे के साथ में रहना मुश्किल था, आज परिवार से परिवार नहीं जुड़ा था, उस समय में एक पत्रकार भी आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करता था, बताता था। पर लेकिन हमारे भंडारा ज़िले में कहीं तो भी पत्रकारों के साथ कुछ अनदेखी की जा रही है, इस विषय को लेकर हमारे को काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई। और हम आपसे चेतन बहरम जी, हम और जानना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में जिला परिषद के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या लगता है जिला परिषद के इलेक्शन, अभी तो शासन बैठा हुआ है जिला परिषद में, और आगे किस तरह से जिला परिषद रहेगा, यानी किस तरह की प्रक्रिया चलेगी, आपका क्या मानना है? देखिए कि इस बार कोरोना के कारण भंडारा जिला परिषद का कार्यकाल पूरा होने के बाद में भी चुनाव नहीं हो पाए। पिछले डेढ़ साल से यहाँ पे प्रशासक के रूप में जिला परिषद में काम चल रहा है,
लेकिन कोरोना के कारण अभी 2 साल होते आएंगे, लेकिन चुनाव का विषय इस माध्यम से नहीं हो पाया। लेकिन अभी हाल ही में कोरोना का प्रादुर्भाव कम होने के कारण अभी चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। आपको भी पता होगा कि कल या परसों में एक आदेश निकला है 8 तारीख को, और फिर से रोस्टर होने वाले हैं, यानी पिछले रोस्टर इस बार काम में नहीं आएंगे। फिर से रोस्टर होने के बाद में वहाँ के आरक्षण का विषय कंप्लीट होने के बाद में जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, और इसी कारण से जो प्रशासक के बाद में अभी नए जोरों से अभी तैयारियां भी सभी पार्टियों ने चालू कर दी है। ये भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष रहे, शिवसेना रहे, या बाकी अदर आघाड़ी रहे, वंचित रहे, जो भी सभी पार्टियों ने अपने अपने रूप में काम करना चालू कर दिया है, और आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर में ही जिला परिषद के चुनाव का बिगुल बजेगा, ऐसा इस माध्यम से दिख रहा है। मुझे ये बताइए सर कि क्या प्रशासक बैठने के बाद भंडारा जिला परिषद से विकास कम हुआ, ऐसा लोगों का कहना है? देखिए, कैसा होता है कि पंचायत राज की संकल्पना के माध्यम से आपने देखा होगा कि ग्रामीण आंचल की बातों को रखने का, वहाँ की समस्याओं को उजागर करके वहाँ का विकास आराखड़ा तैयार करने का काम जिला परिषद के माध्यम से होता है। जब जिला परिषद के 52 सदस्यों में कोई वहाँ नहीं है, तो ग्रामीण आंचल की जो समस्या है, वहाँ की जो छोटी छोटी समस्या है, वहाँ में कौन से विकास कार्य वहाँ पे अपन ने देना चाहिए, कौन से चीज़ को प्रथम प्राधान्य देना चाहिए, ये वहाँ का जिला परिषद का मेंबर अपने अपने समितियों के माध्यम से, जीबी के माध्यम से, स्टैंडिंग के माध्यम से ये सब चीज़ों को उजागर करते रहता है, वो मांग करते रहता है, और उस वो यानी वो एक लोकाभिमुख काम उस माध्यम से होता है। प्रशासक बोलो तो अधिकारियों के माध्यम से जितना हो सके उतना ही काम उस माध्यम से हो पाएगा, लेकिन उस काम को लोकाभिमुखता आती नहीं है, ऐसा मैं इस माध्यम से समझता हूँ। क्या बताएं, कुछ भंडारा शहर में एक चर्चा भी बनी हुई है कि भंडारा शहर में, भंडारा जिले में नाना भाव का अनेक कई खास ध्यान नहीं है, ऐसे कई जगह देखने में आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कैसा है कि नाना भाव अभी आपने देखा होगा, वो पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनको जवाबदारी मिली थी, बाद में बड़ी गौरव की बात है कि नाना भाव अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन ये भी बात सही है कि उनको समय कम मिलता है, क्योंकि उनको पूरे महाराष्ट्र की जवाबदारी है जी। तो उनका जो गांव है, उनका जो मतदार संघ है, उनका जो जिला है, वहाँ पे उनका ध्यान निश्चित ही रूप से उनका कम होता है जी। लेकिन बोलते हैं कि जब आकाश में जब पंछी उड़ता है तो बच्चों के ऊपर नज़र रखता है, वैसा ही वो नज़र अपने मतदार संघ के लोगों के ऊपर में रख रहे होंगे, ऐसी अपन आशा व्यक्त करते हैं। और नाना भाऊ को इस माध्यम से, आपके ही माध्यम से हम बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान इधर में भी ज़्यादा दीजिए, थोड़ा वक्त यहाँ भी ज़्यादा दीजिए, तो ये एक अच्छी बात भी रहेंगी। और लोग, नाना भाऊ ने भी बोला था कि कांग्रेस जो है एकमतता ने स्वयं ये इलेक्शन जो आगे में आने वाले हैं पार्टियों की स्वयं लड़ेंगी, तो क्या लगता है नाना भाऊ का अभी ध्यान नहीं है यानी इस भंडारा जिले में, तो क्या कुछ फर्क गिरेगा? देखिए, पार्टी उनका विषय ये है कि पार्टी, सभी पार्टी अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं, तो उन्होंने अपनी पक्ष की बात किए होंगे कि उनकी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगी। सभी पार्टियाँ अपने अपने हिसाब से तैयार करी है, फिर वो भाजपा रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहे, ये कांग्रेस में नाना भाऊ वो भूमिका रख रहे हैं, शिवसेना भी अपने अलग रणनीति फिक्स कर रही है। तो कहने का मतलब है कि हर पार्टी अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले चुनाव में जिला परिषद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का अलायंस होकर यहाँ पर सत्ता थी। अभी अलायंस चुनाव के बाद में हुआ था जी। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि सभी पार्टियां अलग अलग लड़े, बाद में जो जो विचारधारा जिसको उचित लगती है वो विचारधारा के साथ में एकत्रित होकर फिर से जिला परिषद में अपनी सत्ता प्रस्तापित करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे ये बताइए, भंडारा शहर कहीं तो भी विकास के मामले में
पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, कई ऐसी जगह देखी जा रही है कि जहाँ पर अभी तक विकास नहीं हुआ है, कई ऐसे रोड है, कई ऐसी जगह है, कई ऐसे रास्ते हैं जो कई वर्षों से काम चालू है पर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। इस प्रकार के देखा जाए तो कई ऐसे स्कूलें हैं जहाँ पर अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है बच्चों की पढ़ाई को लेकर या अन्य कभी समझ। तो क्या लगता है आपको कि क्या भंडारा शहर का आगे चल कर विकास होगा कि इसी तरह से भंडारा शहर ये रहेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विकास बोलो तो एक तो नगर पालिका की जब बात आती है तो एक तो पीने का पानी, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में स्वच्छता के ऊपर में विषय होता है जी। उसके बाद में यहाँ के बाग बगीचे इसके ऊपर में विषय होता है जी। तो देखा वैसे जाए तो अभी पिछले कुछ सालों में अपने ज़िले में जैसा पानी के ऊपर में विषय हुआ, यहाँ का तुम्हारा पानी का जो पाइपलाइन का जो काम अपने हाथ में लिया है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दी, उसको फंड आया, लेकिन यहाँ के जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चले गया, तो ये काम अगर कहीं बाधित होते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होती। क्योंकि ये शहर सबसे पहले क्या होता है कि ये काम जो है पाइपलाइन के काम ये सब खोदा जाता है, शहर को खोदा जाता है, तो एक साथ वो विषय निपट जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन अब विकास की बात करें तो शहर में बाग बगीचों की परिस्थिति अभी आपको भी पता है, तो वो भी उनको भी दुरुस्त करना जरूरी है। क्योंकि अभी हेल्थ को बहुत महत्वपूर्ण, कोरोना में लोगों को घूमने के लिए इसके लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लोग जागरूक हो गए, तो लोगों को खुली हवा में घूमने के लिए अच्छे बाग बगीचे की ज़रूरत है। यहाँ बाग बगीचे है लेकिन वहाँ उसका रखरखाव नहीं है, कुछ जगह अतिक्रमण ने भी बाधाएं पहुँचाई है। अतिक्रमण ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ लोगों की आवश्यकता के अनुसार रोजगार अनुसार होता है वो ठीक है, लेकिन शहर की कुछ जगह पर शोभा खराब करना, वहाँ का जगह शासकीय जगहों पे अतिक्रमण होना, ये भी अच्छी बात नहीं। क्योंकि खुली हवा, खुली मैदाने, ये भविष्य की अपनी सभी की धरोहर रहने वाली है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक चीज़ और पूछने जाऊँगा बहन जी कि अपने भंडारा ज़िले में गोसे डैम है और अपने बहन गंगा नदी में पानी जमा रहता है, तो क्या भंडारा जिले में कुछ ऐसा इस डैम के माध्यम से या इतनी बड़ी नदी में पानी रहने के माध्यम कुछ ऐसी नई योजना या कुछ नया विकास जो इन्हें लोगों को रोजगार बने या इस जैसी कोई कैनल ऐसी है कि जो अभी तक चालू नहीं की गई जिसके कारण किसानों को भी पानी नहीं पहुंच पाता है, तो क्या लगता है आपको कि क्या? एक तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत ही अच्छा, क्योंकि गोसे ये अपने ज़िले का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है और ये राष्ट्रीय प्रकल्प करके इसको मान्यता दी गई थी, आपको भी पता है जी। और इस प्रकल्प को पूरा होने में आज 35 साल पूरे हो गए जी। और इस प्रकल्प की कॉस्ट 15,000 करोड़ के ऊपर चले गई है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि 250 करोड़ का प्कल्प 15,000 करोड़ के ऊपर की राशि का प्रकल्प बन गया जी। क्यों? तो सिर्फ पानी के लिए, पानी के लिए जिस पानी को रोका गया वो पानी गंदा हो रहा है। आपको बता दूं, बहुत अच्छा विषय आपने लिखा है, मैं इसमें तो एक दो चीज़ें इंडिकेट करना चाहूँगा कि नाग नदी का पानी इस डैम में आम्बोरा के पास में ज्वाइंट हो रहा है और ये पानी पूरा गंदा होता है। काफ़ी सालों से मांग चल रही है कि ये जो नाग नदी का पानी है उसको सामने में डाइवर्ट किया जाए, तो उसको फिल्टर प्लान का जो विषय है उसको साफ सफाई का है, काफ़ी सालों से वो विषय को अभी तक उसका पूर्तता नहीं हुई है। आश्वासन मिले हैं, कुछ उसमें प्रोजेक्ट भी बनने की बात हो रही है, लेकिन ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये जो रुका हुआ पानी है, अगर पानी जिस पानी के लिए इतने 1,000 करोड़ रुपये खर्चा करेगा तो वो पानी ही अगर गंदा है तो कोई विषय नहीं रहेगा। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा विषय कहा कि ये जो पानी रुकने के कारण अपने शहर में ही नहीं तो अपने पूरे 30-35 किलोमीटर का जितना भी परिसर है दोनों बाजू का, वैनगंगा के दोनों तट का, ये काफ़ी इससे एक हरित क्रांति को चालना मिलेंगी। सामने के गांव को तो मिलना ही मिलना है डैम के सामने के, है ना, उसमें लेफ्ट और राइट जो कैनल्स है उनके फिर नली का उपनली का उनको तो बेनिफिट मिलना ही है, लेकिन इसके में पागोरा हो गया, करजखेड़ा हो गया, उपसा सिंचाई योजना के माध्यम से भी काफ़ी सिंचन योजना इसमें है ही है, लेकिन इसके बाद में पर्यटन को भी इसमें बहुत अच्छी चालना मिल सकती है। बिल्कुल, पर्यटन के बारे में, इसके बारे में कोई अभी तक पहल की गई नहीं, लेकिन ये पर्यटन के बारे में पहल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना अच्छा सुंदर सागर के समान भरे धूप में भी, यानी भरे गर्मी में भी पूरा पानी आपने देखा होगा कि भरा रहता है,
तो ये पर्यटन के लिए चालना देने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें एक एजेंडा बनाना चाहिए, उसमें एक ये करना चाहिए, काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा और इस परिसर में लोगों को रोजगार के लिए एक अच्छा माध्यम उपलब्ध होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ से लेके तो डैम तक जी, इस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या केंद्र ने इसमें पहल करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। एक मुद्दा और लेंगे हम कि को लेकर बड़ी चिंताजनक बातें बताई जा रही है, जिसे आप कारदा से लेकर अगर मुझ भी तक जाए तो एक सिंगल लाइन है और जिसके कारण दिन पे दिन हादसे एक्सीडेंट सुनने में आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस ट्रैफिक में क्या बदलाव होना चाहिए और इस ट्रैफिक के कारण जो हादसे हो रहे हैं तो क्या इसका जिम्मेदार प्रशासन है कि जो लोग हैं, क्या बोलेगा, क्या बताइए? देखिए इसमें जिम्मेदार तो लोग नहीं हैं, इसमें कैसा हुआ है कि दोनों तरफ चौपादरीकरण हो गया, बीच में का जो प्रोजेक्ट था ये ब्रिज का, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरा विषय था कि ये 13 किलोमीटर का जो रनवे है जी, तो ये अभी द्वेरी है और बाकी फोर वे हो गया है जी, आपने देखा है जी। तो इसमें जो अभी बाईपास जो बनने वाला है जो कोरम्बी के बाजू से होते हुए फिर बाद में वो ज्वाइन होगा फिर से, तो वो उसके बाद में यहाँ भंडारे के ट्रैफिक का विषय, मैंने जो शहर से जो हेवी व्हीकल जाती, क्योंकि बॉम्बे से कलकत्ता जो भी हेवी व्हीकल जा रहे हैं तो ये डाइवर्ट हो जाएगा, उसके बाद में शहर को उसमें राहत मिलेंगी। फिर भी इसका दुहेरी मार्ग करके यानी फोर वे करके इसमें पहल होना चाहिए, ऐसा अपन समझते हैं और ये इस प्रोजेक्ट में शायद वो भी इंडिकेट किया गया है, उसके बाद में ये ट्रैफिक का विषय सॉल्व होगा। क्योंकि इसमें तो पब्लिक का दोष नहीं है, पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक तो चाहती है फोर वे हो, है ना, और ये राष्ट्रीय यानी नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें खासदार ने भी जल्दी से जल्दी पहल करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। नाले की बात ली जाए तो अपने महिला जो हॉस्पिटल है 100 बेड का, वो काफ़ी दिन से निर्माण हो रहा है, अभी कोरोना काल में देखा गया है कि बेडों की काफ़ी कमी चली गई, अपने को काफ़ी तकलीफें सामने आई है। तो क्या लगता है कि अपना एक तो कोई कॉलेज नहीं है अपना इसके लिए, तो क्या भंडारे के विकास के लिए हमेशा यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री नेताएं सब आते हैं पर सब आश्वासन देके जाते हैं, तो भंडारे का विकास कहीं तो भी थमा हुआ लग रहा है, तो भंडारे जिले के विकास के लिए आप क्या बोलोगे, किस तरह से आए और भंडारे के विकास में ऐसा क्या आना चाहिए जिसमें भंडारे में रोजगार बढ़े या भंडारे का विकास के लिए लोग सामने आए? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भंडारा में अभी गोंदिया में सभी जगह मेडिकल कॉलेज का विषय हो गया है, भंडारा में मेडिकल कॉलेज की मांग हो गई है और उसको और उस मांग को प्रशासन और शासन ने भी गंभीरता से लिया हुआ है जी। लेकिन ये गंभीरता काफ़ी उसको यानी वस्तुस्थिति में बदले ऐसा हम समझते हैं, तो भंडारा में मेडिकल कॉलेज हो और वो शासकीय हो जी, क्योंकि गवर्नमेंट का कॉलेज ये काफ़ी ज़रूरी और उसके साथ में अटैच रहेगा, और उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेंगी जी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ में वहाँ पे काफ़ी स्टाफ बढ़ जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी जी। और आपने देखा होगा कि अपने भंडारा में बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है जी, जिसका अभी हल्का सा विस्तार हुआ जी। और आपने देखा होगा कि महिला कॉलेज का भी मांग काफ़ी दिन से थी, उसको मंजूरी होने के बाद में उसके निर्माण में कितना समय लगा है, जबकि उसके भूमि पूजन के लिए कितनी राजनीति हुई, उसके बाद में उसका भूमि पूजन हुआ तो अभी निर्माणाधीन का काम भी लंबे समय से चल रहा है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लो तो सालों साल लग जाते हैं। तो इसीलिए मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना जल्दी से जल्दी विषय जब तक होगा नहीं तो ये कुछ सालों में अपने को उसका यानी रिजल्ट दिखेगा और अपने लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी, लेकिन उसमें पहल बहुत जल्दी होना चाहिए, ऐसा मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि भंडारे में मेरे को कई लोग मैसेज कॉन्टेक्ट करके हमेशा बोलते हैं कि भंडारे ज़िले में युवक के रोजगार के लिए कोई कभी आवाज़ नहीं उठाता और युवक का रोजगार के लिए विषय में कभी कोई आगे बढ़ के नहीं आता, और अपने ज़िले में ऐसा कोई नहीं है कि जो युवक जो आज पढ़े लिखे युवक है जो माने रोजगार के लिए इधर उधर घूम रहे हैं जो भंडारे ज़िले में नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि उन युवकों के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से युवकों के लिए रोजगार बनना चाहिए करके? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मेन चीज़ है रोजगार। अपने यहाँ पे देखा होगा पूरा ग्रामीण आंचल है, यहाँ की अर्थव्यवस्था ये किसानी पे आधारित है जी, और यहाँ की मुख्य फसल है धान, धान उत्पादक लोग हैं और उसमें आपने देखा होगा कि कितना अपना किसान उसमें प्रॉफिट में है नहीं है जी, क्योंकि
लागत के बराबर का मूल्य उसको समर्थन मूल्य यहाँ पे मिलता है, यानी कोई अपना यहाँ का जो किसान है आज कमाओ आज खाओ की स्थिति में है, या कभी कभी नापिकी से वो कर्जबाजारी भी होते हुए आपने देखा है। तो मेन चीज़ है कि यहाँ पे अगर रोजगार स्थानिक लोगों पे निर्माण होने की आवश्यकता है। पिछले बार यहाँ पे कुछ प्रयास पहले हुए हैं, उसके बाद में कुछ प्रयास जैसा अभी यहाँ पे अपने यहाँ अशोक लेलैंड हो गया, सनफ्लैग हो गया, उसके बाद में यहाँ प्रयास करने की कोशिश की गई भेल का, भेल का काम रुक गया है, वहाँ की जगह एक्वायर हो गई है, वहाँ कंपाउंड वॉल बन गया है, सब चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई पहल नहीं हुई। बाद में यहाँ पे कोई किसी ने एथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया तनस के माध्यम से, वो भी कोई विषय हुआ नहीं, वो तो हवा में चले गया। तो ऐसे हवा वाले जो प्रयोग होते हैं तो हवा में रह जाते। कुछ कुछ चीज़ें थी कि प्रफुल्ल भाई से आशा थी भेल का, उन्होंने उसको लैंड को एक्विजिशन करने के बाद में, अधिग्रहित करने के बाद में उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम बाद के नेताओं ने करना चाहिए था, क्योंकि वो ये केंद्र का प्रोजेक्ट था और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो कहीं तो भी शिथिल हो गए, ऐसा मैं समझता हूँ, जिससे अपने यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार मिला रहता, परमानेंट रोजगार मिला रहता। गोंदिया में जैसा अदानी का विषय हुआ तो वहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे रोजगारों का एक विषय होता है, जैसा सनफ्लैग से आज काफ़ी सारे लोगों को राहत मिलती है। तो ये एक बेनिफिट है, ये सभी अपने इधर के लोगों को मिलते हैं। और परमानेंट रोजगार के लिए इस ज़िले में और भी औद्योगिकरण आने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। चैतन्य भैरव जी से मिलकर काफ़ी हमको सहयोग मिला, काफ़ी जानकारी मिली और उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें स्पष्टीकरण देकर बताया कि किस तरह से भंडारे का विकास होना चाहिए, राजनीतिक हो या समाज सेवक हो या किसी भी चीज विषय की चर्चा को उन्होंने साथ साथ में हमको देख के बताया है। हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं चैतन्य भैरव जी का कि जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे समय दिया, और ऐसे ही क्राइम मीडिया न्यूज़ हर खबरों के माध्यम से आपको जागरूक करता रहेगा, आपको हर जानकारी देते रहेगा। क्राइम मीडिया न्यूज़ को देखते रहे। शमशेर खान, भंडारा।